मनीष वलीचा और हमारी आज की महामूवी एक ऐसी फिल्म है जिसे आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ नया पाएंगे शेक्सपियर की ओथेलो की ओरिजिनल आरा यूपी के क्राइम और पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप में द फिल्म स्टार्स अजय देवगन सैफ अली खान बिपाशा बासु करीना कपूर विवेक ओबरॉय एंड कोंकना शर्मा हमारी आज की महामूवी है दो की सुपरहिट ओमकारा और आज की महामूवी ओमकारा आपके साथ देखने के लिए प्लीज़ वेलकम इस फिल्म के डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर एंड इट वुड बी फेयर टू कॉल हिम द नंबर वन ऑल राउंडर इन बॉलीवुड विशाल भारद्वाज वेलकम टू महामूवी थैंक यू मकबूल के बाद ओमकारा आपके शेक्सपियर ट्रेलजी की दूसरी फिल्म है ओथेलो पर अडाप्टेशन बनाने का फैसला आपने कब और क्यों लिया एक्चुअली ओथेलो का जो मैंने पढ़ा था प्ले वो मकबूल के टाइम में पढ़ा था और मैकबेथ मैंने पढ़ा शेक्सपियर का और डिसाइड किया मकबूल उसके ऊपर करना है मैंने मकबूल की स्क्रिप्ट की थी जब मैं मकड़ी शूट कर रहा था मकड़ी के बाद बहुत मुश्किल था मेरे लिए फाइनेंस जुटाना तो बहुत ही खाली वक्त था उन दिनों मेरे पास तो उस वक्त मैंने शेक्सपियर का शेक्सपियर को घुट के पूरा पिया क्योंकि कभी उससे पहले मैंने शेक्सपियर को पढ़ा नहीं था अच्छा बट वाई शेक्सपियर एंड वाई नॉट शेक्सपियर बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोज टू आई थिंक शेक्सपियर द वे वी शुड बी इनफैक्ट जो मैंटेलिटी हमारे यहाँ जो है जो हमारी नसों में है हमारे खून में वो मेरे में भी है तो so, लिटरेचर के नाम आते ही ये लगता है कि ये तो बहुत बोरिंग कोई चीज़ होने वाली है कोई प्रीचिंग होगी और कुछ भी मसाला नहीं होगा इसके अंदर ऐसे में भी शेक्सपियर के बारे में सोचता था और मैंने कॉलेज में तो नहीं शेक्सपियर पढ़ा पर स्कूल में आई रिमेंबर वेगली रिमेंबर दैट आई एट रेड मर्चेंट ऑफ वनिस बाई चांस मैंने एक दिन एक बहुत ही वैसे भी शेक्सपियर की लैंग्वेज ऐसी है दाओ दो यू you नो know, कि वैसे पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है शेक्सपियर को तो मैंने एक्सीडेंटली मैंने एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में मैकबैथ पढ़ा था और वहाँ से मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार रिटर हैं uh, कोई एक और फिल्म कर रहा था जिस जो आमिर के साथ मैं करने वाला था hmm. समव आमिर और मुझे दोनों को लगा कि हम लोगों के डिफरेंसेस थे कई चीज़ों के hmm. क्रिएटिव डिफरेंसेस थे तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग की फिल्म नहीं करेंगे जब उस दौरान जब पाँच छः महीने हम लोग इंटरेक्ट करते थे तो वो आई थिंक ओवर ड्रिंक आई जस्ट नरेटेड आमिर के हाउ आई सी ओथेलो हैपनिंग इन यूपी एंड यागो बड़ा अच्छा दे टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ओके बिकॉज आई वाज नेवर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ए स्टार फॉर दैट रोल मुझे लगा था कि कोई नहीं तैयार होगा क्यों करेगा पर जब आमिर ने बोला कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कैरेक्टर तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है तो जिस वक्त फिर जब ओथेलोक बनाने का वक्त आया तो मुझे ये था कि अजय के साथ काम करना था मैं अजय से पहले जाके मिला था एक्चुअली स्टार्टेड विद अजय मैं उन दिनों खाली था तो मैं अजय देवगन की शूटिंग पे गया एक दिन मिलने उसे और मैंने उसे बोला कि यू आर द ओनली ओथेलो यू नो आई सी ओथेलो कैन बी प्लेड बाय अजय देवगन और आशीष विद्यार्थी अजय में वो बात है कि अजय इज लाइक यू नो डार्क एंड हैंडसम लीन मीन एंड स्पीक सो मच फ्रॉम हिज आईज नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि आप ओथेलो क्यों बना रहे हो <laughs> नहीं वो वो दूसरी कहानी थी एक्चुअली वो था कि नसीर थिंक्स दैट ओथेलो इज इ नॉट डी नसीर आई थिंक मैनी ऑफ द शेक्सपियर क्रिटिक्स थिंक दैट ओथेलो इज हिज़ वीकेस्ट प्ले तो नसीर ने मुझे हम लोग गोवा में थे फिल्म फेस्टिवल के दौरान तो मुझसे बोले यार सुना भी तुम ओथेलो बना रहे हो तुम पागल हो गयो दिमाग ख़राब हो गया इतना ख़राब प्ले है और तुम उसके ऊपर फिल्म बना रहे हो मैंने नसीर भाई को बोला आप मेरी स्क्रिप्ट एक बार पढ़ी उसके बाद आपको कहने का कुछ हक हाँ है तो मेरे भाई स्क्रिप्ट कैरी कर रहा था मैंने नसीर को स्क्रिप्ट दी नसीर साहब रात में स्क्रिप्ट पढ़ी और सुबह वो आए मेरे पास बोले भाई साहब का रोल मैं कर रहा हूँ भाई साहब का रोल कोई और नहीं करेगा ओमकारा का जो टाइटल है काफ़ी दूसरे टाइटल्स ओ साथ ही रे आपने सो, सोचा था और कौन से अलग अलग टाइटल सोचे थे आप? जो टाइटल तो बहुत ही बेकार टाइटल थे वो ओ साथ ही रे और इसक पर ओमकारा मेरा पहला सोचा हुआ टाइटल था और मेरा फेवरेट था वही रहा पर देर वॉज रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रोड्यूसर के ओमकारा से फिल्म जो है एक्शन फिल्म लगेगी और हमारे यहाँ रोमांटिक फिल्म चलती मनी ऑन मिस्टेक तो हैव टू थिंक ऑफ समथिंग आई थाट ऑफ वो आई थॉट ऑफ इसक बट आई केप टेलिंग इन दैट यू नो आई एम दिस इज़ नॉट माई फिल्म वो हाथी रे इज़ नॉट माई फिल्म इसक इज़ नॉट माई फिल्म इज ओमकारा सुना है कि अपने बालों को छोटे करवाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आ, सैफ को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले इंस्टेंटिवली उसके मुंह से निकला कि यार बाल छोटे छोटे होने चाहिए तो उसने बोला आई एम नॉट गोइंग टू कट माय हेयर बच्चों की तरह जिद करता है उसे मालूम है कि, कि खिलौना नहीं मिलने वाला पर वो लास्ट तक रोते रहेगा कि मुझे खिलौना चाहिए खिलाओ तो सिर्फ उस तरह का तो उसने उससे बात करनी बंद कर दी फाइनली हम लोग शूटिंग के लिए चले गए थे और ईद थी शायद तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ ईद पे अल्लाह मियाँ जो भी कुर्बानी होती है वो कबूल करते हैं तो तू अपने बालों की कुर्बानी दे दे देख अल्लाह भी हमारी फिल्म को कैसे कबूल <laughs> करेंगे शूटिंग से एक दिन पहले रात को बारह बजे उसने बाल कटाए और दो बजे वो होटल में आया और आके उसने दिखाया कि मैंने बाल कटा लिया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अजय देवगन का कैरेक्टर ओमकारा बहुबली बनाता है ये पर्टिकुलर जगह जो है ये इलाहाबाद से कोई चौदह किलोमीटर दूर है अजय वगैरह को हमने चौपर से वहाँ पे एक हेलीपेड बनवाया और इन लोगों को वहाँ से हेलीपैड पे उतारा आई थिंक साढ़े नौ दस बजे ये लोग पहुँचे तब तक तो जो हमारा पाँच सौ का जूनियर <laughs> आर्टिस्ट था वो पंद्रह हज़ार क्राउड के अंदर भेज दिया विद वॉकी टॉकीज तो मैंने समझाया कि तुम लोग जाके इनसे बोलो कि यार हम आपको आपको यहीं खड़ोगे शूटिंग देखो जो देखना पर आप ये गुलाल ले लो और जब हम बोलेंगे आप गुलाल उड़ा देना एंड सडनली देट क्राउड ने जो तो पूरा गुलाल फेंक सैफ आ, शीशे को तोड़ता है वो सीन एक्चुअली था ही नहीं फिल्म के अंदर वो शॉट था ही नहीं पर जब ये हमने एडिट करके लगा के देखा तो लगा कि ये कुछ कहीं कमी हो रही है वी नीड टू बी विद लंगड़ा था टैच वर्क में वो वो सीन शूट किया एक्सीडेंट होते होते भैया उसमें क्योंकि जिस तरीके से कांच टूटा वैसे कांच कभी टूट नहीं सकता तो उसके पीछे वो एक्शन डायरेक्टर ने ब्लास्ट लगा के तो वो तो उसका अमाउंट कम था तो वो कभी टूटता नहीं था जैसे कोऑर्डिनेट होना था कि सैफ मारे उधर से ब्लास्ट और टूट जाए तो हो नहीं रहा था तो उसने फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगा जब सैफ ने तोड़ा एंड शॉट हो क्या हुआ एंड वी सॉ हिज फुल फेस एंड बॉडी वॉज फुल ऑफ दैट कांच एंड ही वॉज सो स्मार्ट कि उसने बोला कि मैंने मार तो अपनी आँखें बंद की थी आई न्यू कि ये, अगर आँखें खुली हुई आँखों में चला जाता तो उसमें से मैंने उनको दो लाइनें सुनाई उसमें सिगरेट के ऊपर गाना था एक्चुअली स्मोकिंग प्रोहिबिशन के ऊपर गाना mm. था जो कि आज तब सत्तर अस्सी साल पहले क्या कहा गया होगा तो मैंने कहा कि मुझे इस बहु, बहुत बढ़िया दो लाइनें थी तो तो ने बोला कि नहीं मैं तुमको ये फ्लेवर से मैं ओरिजिनल लिख के दूंगा और लग सबको लगेगा कि ये फोक है फिल्म एक सीन है जब कोंकणा गोबर के केक्स okay. बना रही है उसके पीछे क्या कहानी शी वॉज गेटिंग रियली रियली अनकम्फर्टेबल एंड वी हैड टू कंटिन्यू फॉर वन मोर शॉर्ट एंड सडनली शी सो दे मुझे नहीं करना है मुझे नहीं करना है मैंने बोला कि तुम्हारा इसमें बैक आ रहा है शॉर्ट में उसने बोला मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है प्लीज डोंट टेक मी अगेन टू दिस काउ नो नो वी डेंट डू दैट शॉर्ट तो हमारा हो गया था एक एक्स्ट्रा शॉर्ट था जो कि छोड़ना पड़ा सुना कि आपने सुनकर म्यूजिक Uh, तब कंपोज किया जब आप लोकेशन ढूंढ रहे थे यू वर ट्रैवलिंग हाँ क्योंकि वक्त ही नहीं था आई जस्ट मंथ टू डू द सॉन्ग्स टू लुक फॉर द लोकेशंस टू कास्ट टू मेक द लुक टू लुक फॉर द सेट्स एंड तो मैं एक फ़ोन था मेरे पास जिसके अंदर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी थी तो मैंने उसी लिए लिया था hmm. जब भी तो ट्रैवल सारे गाने उसके ट्रैवलिंग में बने सारे के सारे गाने ट्रैवलिंग में बने मुझे इतना टाइम ही नहीं था कि मैं बैठ के कंपोज कर पाता थी आज की महामूवी ओम कारा होप इट विशाल क्या याद है आपको फिल्म के क्लाइमैक्स के शूटिंग के बारे में स्पेशली सैफ के आने के बाद कि जब उसको मार देता है और सेफ अंदर आता है और कोंकना वहाँ पे है एंड कोंकना को पता चल चुका है अजय सैफ को बाहर लेके आता है जो लास्ट सीन होता है क्योंकि जब हम लोगों ने रिहर्सल्स की तो लगा कि ये तो सारा फेक लग रहा है जो भी डायलॉग्स थे सब कुछ फ़ेक लगने लगा

अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर कुछ और ओरिजिनल काम करूँ hmm. और कुछ और अपने यहाँ का लिटरेचर देखूँ या कुछ और देखूँ शेक्सपियर से भी ब्रेक लिया हुआ है तो जब मैं बनाऊँगा ट्रेलॉजी पूरी करूँगा जब बनाऊँगा उस वक्त मैं डिसाइड करूँगा कौन सा अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है इज ओमकारा विलिंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट टेम्पल्स तो ये थे विशाल भरद्वाज आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम लेकर आएंगे एक और महामूवी जो आप देखेंगे आपके फेवरेट स्टार्स के साथ टिल देन दिस इज मनीष वलीचा नेक्स्ट सैटरडे